नमस्कार मैं हूं मनोज टिबड़े वाल आकाश एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर कुरैसी जी बिहार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव सफलतापूर्वक कराने वाले डॉक्टर कुरैसी पर अब बड़ी जिम्मेदारी है पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब गोवा और मणिपुर में अब डॉक्टर कुरैसी को चुनाव कराने हैं यहां पर इनकी रणनीति क्या है तैयारियां क्या है इन सब बारे में विस्तार से डॉक्टर कुरैसी से बात करेंगे डॉक्टर कुरैसी पांचों राज्यों में आचार संहिता का ईमानदारी से पालन करा पाना मुझे लगता है आयोग के सामने एक चुनौती है क्या कहेंगे देखिए चुनाव तो खुद ही चुनौती होता है उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं उसकी लॉजिस्टिक्स इतना सारा पोलिंग स्टाफ जैसे इन पांच राज्यों में कोई 16 लाख के करीब तो स्टाफ हम डिप्लॉय करेंगे उन सब को ट्रेनिंग दी जाएगी हर एक ने मिस्टेक फ्री एरर फ्री इलेक्शन देना है गलती का स्कोप नहीं है और फिर जो मशीनरी है इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनकी वे पूरे पहले हम चेक कराते हैं टेक्निकल चेक कराते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ सामने रख के उनको चेक करते हैं उनके अवेलेबल करना बाकी के जो सामग्री है मटेरियल हैं पोलिंग मटेरियल उन सबको उपलब्ध कराना और पोलिंग स्टेशंस उनके को ठीक ठाक कराना उनको तैयार करना फिर ट्रांसपोर्ट इन पोलिंग पार्टी को मटेरियल को ठीक टाइम पे पहुंचा देना फिर वहाँ से वोटिंग के बाद वापस लेके आना ये बड़ी ह्यूज ही, लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज होती है इसके अलावा आचार समझता की जो पालना के लिए जो हम कदम उठाते हैं वो बहुत सख्त हैं हम उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम एक और कई जगह तो ज़्यादा टीमें बनाते हैं जिनका काम है कि वो देखते रहते हैं सब तरफ घूमते रहते हैं और हमारे ऑब्जर्वर जाते हैं वो भी देखते रहते हैं और किसी किस्म की कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर फ़ौर रिएक्ट करते हैं हमने एक कॉल सेंटर बनाया है वन नाइन फाइव जीरो उन्नीस सौ पचास जो टोल फ्री है जिसमें लोग कंप्लेंट करें जिसको पूरा कंप्यूटराइज़ किया हुआ है ताकि उस के ऊपर एक्शन फ़ौर हो सके तो हमारे जो ऑब्जर्वर्स और जनरल ऑब्जर्वर्स और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स ये सब होते हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे हैं पेड न्यूज़ वगैरह के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई गई हैं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटीज जिसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी होते हैं तो ये बहुत सारे कदम हैं जब उठाते हैं प्लस सिक्योरिटी पहले जब चुनाव होते थे तो मोहर लगाकर ठप्पा लगाकर होते थे अब जमाना बदला टेक्नोलॉजी का युग आया तो फिर जो है अब ईवीएम का सहारा लिया जाता है आचार संहिता का ईमानदारी से पालन हो इसको लेकर नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आप लोग यूज कर रहे हैं आजकल देखिए इसमें एक तो जैसे हमारे कंप्लेंट सेंटर जो है ये कॉल सेंटर हैं इसमें आप टोल फ्री नंबर कीजिए ऑटोमेटिकली कॉल रजिस्टर होती है और उसके ऊपर जो एक्शन होता है उसको हम मॉनिटर करते हैं कितनी देर में हमने उसके ऊपर एक्शन लिया अगर उसमें डिले हुई तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टी जाती हैं इन पांच राज्यों में तो ऐसे वो टेरिटरी नहीं कुछ हैं लेकिन अब उनको ट्रैक करना तो जी पी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिससे हम ट्रैक करते हैं कि हमारी पोलिंग पार्टी जा रही है रास्ते में कहीं फंस तो नहीं गई कहीं किसी ने हमबुश तो नहीं कर दिया कोई सबोटाज तो कहीं नहीं हो गया और जो हम उनकी जो पोलिंग स्टेशन रिमोट एरियाज़ में होते हैं उनकी लोकेशन करने वगैरह में जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रल रोल हमारे सारे कंप्यूटराइज हैं अब हमने उसको नेशनल रजिस्टर भी बना लिया ताकि अगर कोई आदमी केरला से कलकत्ता कलकत्ता से दिल्ली आ जाए तो उसको लोकेट करना कि डुप्लिकेट वोटर्स भी आइडेंटिफाई करना आसान हो गया है और, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जान के हालांकि आप मानेंगे कि इंडिया तो आईटी में एक सुपर पावर है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत ही सिंपल एक कैलकुलेटर की एक टेक्नोलॉजी है कि वो इन ए वे एक एडिंग मशीन है कि आपने वोट दिया एक और पड़ गया और इसकी ज़रूरत तो इसलिए भी पड़ी थी कि जो इलिटरेट वोटर्स हैं उनको इस जैसे आपने हवाला दिया कि स्टैंप लगाना है तो इतने बड़े शीट में प्रॉपर बॉक्स ढूंढना उसके ऊपर स्टैंप लगाना हाथ हिल गया जो बॉर्डर है उसको लाइन क्रॉस करके स्टैंप इनवैलिड हो जाता था कहीं धब्बा लग गया इनवैलिड हो जाता था गलती से दो जगह लगा दी तो इनवैलिड वोट हजारों हो जाते थे और हजारों समाइम्स इतने इनवैलिड वोट होते थे कि जो विनिंग मार्जिन है उससे भी ज़्यादा हो जाते थे डॉक्टर साहब एक और खास बात यह है कि कई राजनीतिक दल ईवीएम पर ही सवाल देखिए ये ये सवाल उठाया गया था उसका हमने समाधान किया और राजनीतिक दलों की हमने मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हर शायद हारने का जवाब भी ढूंढता है कि मैं क्यों हारा शायद मशीन की वजह से हाराऊंगा लोग तो मुझे बड़ा वादा करते थे लोग भी तेज होते हैं कि वो कैंडिडेट जिसको वोट नहीं दे रहा है उसको बताते तो नहीं कि मैं तुमको वोट नहीं दूंगा वो तो फिर उनको हरास करेगा तो इन एनी केस हमारी कोशिश तो वोटिंग प्रोसीजर को पूरा ट्रांसपेरेंट करने की है हमें अपनी वो इस वोटिंग मशीन पर पूरा विश्वास है सौ फीसदी लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने सवाल उठाया उसको सामने रखते हुए भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई थी सारे पॉलिटिकल पार्टीज और उन्होंने कहा कि जो अब तक मशीन वशीनें इस्तेमाल हुई हैं कि हमको कोई इस पर डाउट नहीं है लेकिन चूंकि लोग कह रहे हैं तो बताइए इसका क्या कर सकते हैं आप इसकी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको रेफर तो कर दें तो हमने उस एक्सपर्ट कमेटी को रेफर किया है एक्सपर्ट कमेटी इंडिपेंडेंट है उसमें पहले तीन प्रोफेसर्स ऑफ आई होते थे अब पांच प्रोफेसर्स हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्ट कमेटी में भी लोग सवाल उठाते थे, थे कि ये लोग तो बहुत पुराने ज़माने के लोग हैं और नई टेक्नोलॉजी का इन्हें पता नहीं तो हमने दो नए प्रोफेसर एक कानपुर के और एक मुंबई के आईआईटी प्रोफेसर उनको डाल दिया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं तो वो फिर हमने अपनी जो दो कंपनीज हैं उनको कहा कि एक प्रिंटर बेसिकली दे, ये चाहते हैं कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल ताकि आप वोट दें तो उसकी पर्ची भी कहीं जनरेट हो जाए और डब्बे में हो जाए सेफ हो जाए ताकि उसको कंपेयर कर सकें तो हमने प्रिंटर डिवेलप कराए उनकी फील्ड टेस्टिंग की एक्चुअल कंडीशन में लद्दाख से लेके केरला के तक ताकि उसमें कोस्टल एरिया कोल्ड एरिया राजस्थान का डेजर्ट मेघालय में बारिश दिल्ली का एक नॉर्मल कंडीशन तो पांच स्टेट में हमने उसका टेस्ट किया उसमें चूंकि प्रिंटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैलकुलेटर तो आप देखेंगे आपका ख़राब नहीं होता है आ, साल साल चलता है लेकिन प्रिंटर में पेपर फंस जाता है या टोनर या इंक कम पड़ जाती है पढ़ा नहीं जाता तो चूंकि ये मैकेनिकल डिवाइस है इसमें अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई काफी कामयाब हुआ लेकिन कुछ प्रॉब्लम है फिर हमने कंपनी को का इनको और सुधारो एक्सपर्ट कमेटी इस पर लगी हुई है हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द अगर हम ये पेपर ट्रेल ला सकते हैं ताकि ये जो एक रहा सहा सवाल भी किसी ने उठाया उसका भी हम संतुष्टि का जवाब दे सके जब आपने 2010 में बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यभार ग्रहण किया था तब भी मैंने आपका एक मुलाकात में इंटरव्यू किया था और उस समय आपने कहा था कि पेड न्यूज पर आपकी विशेष निगाह रहेगी और आपने एक बड़ा कदम उठाते हुए भी कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक विधायक की सदस्यता भी समाप्त करने का निर्णय सुनाया पेड न्यूज के मामले में इन पांच राज्यों में किस तरह की नज़र आप बना के रखेंगे पेड न्यूज के मामलों पर देखिए पेड न्यूज पे हमें भी चूंकि नया प्रॉब्लम है नई प्रॉब्लम है हमने इस पर काफी तजर्बा हासिल किया पहले हमने बिहार में इसको ट्राई किया वहां पर तकरीबन एक सौ बीस हमें ऐसे हमारी जो कमेटी मैंने बताया मीडिया कमेटी उन्होंने देखा कि क्या ये 120 के करीब के केसेस उनको सस्पिशियस लगे कि ये पेड न्यूज़ हो सकती है नोटिस दिया गया कैंडिडेट ने आके कन्फेस किया एतराफ इत, इत, किया कि हाँ जी ये तो हमने इसका पेमेंट किया था तो हम इसको अपने एक्सपेंडिचर में डालते थे हालांकि एक्सपेंडिचर में डालना ही उसका इंप्लीकेशन नहीं है हम तो ये समझते हैं पेड न्यूज़ में एक डिसप्शन धोखेबाजी का एलिमेंट भी शामिल है कि लोगों को धोखा होता है वो समझते हैं कि ये न्यूज़ है हालांकि वो पेड एडवर्टीज़मेंट का एक रूप है तो उसकी ये लीगल एक्शन हम सेपरेटली देख रहे हैं बाद में पांच स्टेट तमिलनाडु केरला वगैरह में जब इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि ये पेड न्यूज़ के जो केसेस थे कब हो गए कुछ तो हमारे स्टेप्स का रीज़न होगा कुछ दूसरा रीज़न वहाँ हमने नया देखा कि वहाँ पर काफ़ी पोलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी चैनल हैं अब वो जिसकी अपनी अपनी चैनल है या न्यूज़पेपर है उसको दूसरे चैनल पे कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं फिर लेके उसको भी हम छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि एक एक्सपेंडिचर पे एक सीलिंग होती है जो हमने 10 से बढ़ा के 16 लाख की थी 16 लाख रुपए आपका कैंडिडेट का आपका अपना ही होता है लेकिन आप कहेंगे जी मैं अपनी चैनल से फ्री दिखा रहा हूं तो आप अपना खर्चा कर रहे हैं दूसरे को अगर ये चैनल पे अगर टाइम देते तो उससे पैसा लेते तो हमने कहा रेट कार्ड दिखाओ जितने उसकी टाइम की कॉस्ट होगी आपके एक्सपेंडिचर में ऐड होगी ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना हो लेकिन एक तलक हकीकत यह है कुरैशी साहब आयोग लाख कवायद करे लेकिन डमी प्रत्याशियों के मामले पर आयोग की कवायद अभी सफल नहीं हो पा रही जो बाहुबली और माफिया किस्म के प्रत्याशी होते हैं वो डमी प्रत्याशियों को दो तीन की संख्या में उतार देते हैं ताकि उनके गाड़ी और एजेंट का लाभ अपने फेवर में कर सकें इस पर कैसे आयोग अंकुश लगा पाएगा आप ठीक कह रहे हैं ये डमी कैंडिडेट के एक प्रॉब्लम है और ये जो आपने दो बात कही कि डमी कैंडिडेट सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उनको जो गाड़ियां मिलेंगी वो आपके एक्सपेंडिचर को बीट करने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएंगी और उनके जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है आपको अवेलेबल हो जाएगी इसके अलावा ये भी करते हैं कि उनको सबको एक एक, एक, एक एजेंट अलाउड होता है पोलिंग स्टेशन में अब दो चार बाहुबली अगर वहाँ पे बिठा दें तो गुंडागर्दी दादागिरी का इसको भी हो जाता है काउंटिंग सेंटर में बिठा सकते हैं तो दोनों का रीज़न है जिस वजह से डमी कैंडिडेट होते हैं इस पर डमी कैंडिडेट को हम अपनी तरफ से तो कोशिश ये करते हैं कि कैंडिडेट की जब गाड़ी चेक करते हैं कि कैंडिडेट आप है और मटीरियल किसी और का लिया जा रहा है तो उसको तो हम पकड़ लेते हैं तो लेकिन फिर भी हमसे निगाह से कोई बच भी सकता है हमारे तो काफ़ी लोगों की अब ये सुझाव है कि एक वक्त आ गया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाए क्योंकि पार्टी सिस्टम है हमारी इतनी सारी पार्टीज हैं डेढ़ सौ के करीब पार्टी तो एक्टिव पार्टीज हैं तेरह सौ पार्टीज हैं जिनमें डेढ़ सौ एक्टिव हैं तो इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में ये डमी कैंडिडेट का पॉसिबिलिटी होती है कई बार यह भी देखने में आता है कि राज्यों में जो अधिकारी तैनात होते हैं पहले से सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को अंदरूनी तौर पर मदद भी पहुंचाते रहते हैं ऐसे लोगों पर आयोग की क्या निगाह होगी सबसे सख्त निगाह हमारी इन्हीं पे होती है हमारी पूरी कोशिश हम साल भर पहले जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं अफसरों के साथ रिव्यू करते हैं उनको एक ही बात बताते हैं कि देखो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी है सबको बराबरी मिलनी चाहिए पक्षपात का जरा सा हमने देखा नहीं और हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे ट्रांसफर तो सबसे कम बात है हम सस्पेंड भी कर सकते हैं जो हम करते हैं स्लाइट एक्सपेन उसके तो हम भरोसा रखिए कि अच्छी तरह सिग्नल सबको पहुंचे हुए हैं इसमें तो हम आपको मालूम है पहले चीफ सेक्रेटरी तक तो जहां हमने देखा कर पक्षपात करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा तो हमने उसको नहीं बख्शा है क्योंकि पब्लिक परसेप्शन के ब्यूरोसी पक्षपात कर रही है ये तो बर्दाश्त है ही नहीं तो सबको चेतावनी है आपके कहने का मतलब कि जो भी अधिकारी पक्षपात करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और जो उम्मीदवार या उनके समर्थक मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं शराब बांटने का प्रयास करते हैं साड़ी बांटने का प्रयास करते हैं नगद पैसे बांटने का प्रयास करते हैं इसे ऐसी घटनाएं ना हो ऐसी कोशिशें ना हो इसको किस तरह आप आ, सुनिश्चित करेंगे जी इसके लिए हमने अपने जो मशीनरी है एक नई मशीनरी बल्कि पैदा की पहले तो इतनी थी नहीं हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिविजन ही क्रिएट कर दी है उसमें एक इनकम टैक्स के सीनियर कमिश्नर को डायरेक्टर जनरल लगाया है पूरी इनकम टैक्स की मशीनरी को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उनको इन्वॉल्व करते हैं एयरपोर्ट्स पे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप होटल फार्म हाउसेज जहाँ पे जहाँ से पैसे की मूवमेंट हो सकती है उस पर वॉच रखते हैं उस पर रेड कर करके पकड़ते हैं हमारे ऑब्जर्वर घूमते रहते हैं ढूंढते रहते हैं और उसके अलावा हम एक शेडो रजिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर कैंडिडेट ने ये दिखाया कि मैंने एक पब्लिक मीटिंग में पाँच हज़ार रुपये खर्च किए थे हमने उसको वीडियो कर रखा है उसकी उसको हम दिखाएंगे कि तब तुम्हारी मीटिंग पे तो डेढ़ लाख से कम खर्चा नहीं हुआ होगा जब उसको कन्फ्रंट करते हैं तो वह उसको एडमिट करता है हमने क्या किया था पिछले यूपी के जब पिछले इलेक्शन हुए थे पाँच साल पहले उस वक्त हमने एक नई टेक्निक इवॉल्व की थी वलनरेबिलिटी मैपिंग कि हर बूथ को किस किस्म का ख़तरा हो सकता है किस कितने गुंडों से कितने क्रिमिनल से उनकी उनका नाम उनके बाप दादा का नाम उनकी हिस्ट्री क्या और किसको वो चोट पहुँचा सकते हैं ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लस वो जो उसमें हम ये देखते हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है क्या पहले कभी पोल वायलेंस हुई है कभी बूथ कैप्चरिंग की को कोई हिस्ट्री है तो वॉल्ट फिर हम ये देखते हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की में ऐसा तो नहीं कि जब औसत से ज़्यादा उस पोलिंग स्टेशन में वोट पड़े हों जैसे अगर औसत यूपी की है पचास और किसी पोलिंग स्टेशन में सत्तर या अस्सी तो हमको ये शुभ हो सकता है कि ये बूथ कैप्चर तो नहीं हो गया था इस किस्म के कि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं तो आप पहले से आइडेंटिफाई करते हैं इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं इनके प्रिवेंटिव अरेस्ट तक करते हैं इनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में जो प्रिवेंटिव एक्शन है उनका इस्तेमाल करके इनके इनसे जमानत लेते हैं उसका नतीजा होता है कि ये लोग डिस्टर्ब इलेक्शन को कर ही नहीं पाते हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आयोग कौन कौन सी सी खास तैयारी करता है किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव कराने से पहले किस किन खास बातों पर ध्यान रखता है शुरू शुरू में तो हमारा फोकस दो चीज़ों पर होता है कि इलेक्ट्रल रोल को अपडेट किया जाए कोई भी जो एलिजिबल वोटर है वो रोल पे आने से वंचित ना रह जाए फिर उसका फ़ोटो लेके उसको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए क्योंकि इस इसमें ज़रा टाइम लगता है इस पर हम पूरे पुर, साल कोशिश करते हैं जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है तो हमारे जो मॉनिटरिंग है उसका नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है इलेक्ट्रोल रोल और एपिक तो खास शुरू से आखिर तक चलता ही है फिर जैसे हमने पोलिंग स्टेशन को लोकेट करना फिर हम ये देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन में अगर मतदाताओं की गिनती ज़्यादा है जैसे पंद्रह सौ से ज़्यादा है तो आठ घंटे के पोल में ये शायद पूरे नहीं हो पाएंगे इनको वेट करना पड़ेगा तो हम उन पोलिंग स्टेशन को तोड़ के दो दो बना देते हैं नए क्रिएट करते हैं फिर उनको उनकी जो रिपेयर वगैरह उनको ठीक ठाक बिजली का इंतज़ाम पानी का इंतज़ाम ये सब करते हैं पर्सनल जो इतने सारे मैंने बताया कि 16 लाख के करीब ये पाँच स्टेटमेंट लोग यूज होंगे ये इनका ये पक्षपात के ना हो इसके लिए हम बड़े कदम उठाते हैं कि इनको पहले हम ये करते थे कि पांच आदमी की जो पोलिंग पार्टी है किसी एक स्कूल या किसी भी दे दिया पटवारी की अगर ड्यूटी है या टीचर की कि आपके स्कूल के पांच आदमी आप जाएंगे वो अब आपस में मिक्सअप हो जाते थे एक को खरीद लिया तो पांच बिक गए तो हमने उसका इलाज ये किया कि हम इनका जो डेटा बनाते हैं उसको रैंडमाइज करते हैं पांच आदमी कौन होंगे किसी को नहीं पता कंप्यूटर से निकलेगा और कहाँ जाएंगे उसको नहीं पता लास्ट मिनट तक जब हम उसको पोलिंग स्टेशन के, के लिए रवाना करते हैं उस बात बताते हैं कि यह तुम्हारी मशीन है तुम्हारा पोलिंग स्टेशन ये है ये तुम्हारी मशीन है तुम्हारा पोलिंग स्टेशन वो है ताकि उनको किसी से मिक्सअप होने का टाइम ही ना मिले इस कदम के कदम हम लेते हैं फाइनली फिर सिक्योरिटी कि कौन से बूथ को किस किस्म का थ्रेट हो सकता है कहाँ पर हमें पैरामिलिट्री फोर्स लगानी है किस किस्म का प्रावधान करना है किन को सेंसिटिव एरियाज़ में वीडियो रिकॉर्डिंग मुस्तकिल करेंगे किस में हम वो भी हम करते हैं इसकी वेब के ऊपर उसकी वेब कास्टिंग जिसको बोलते हैं कि बूथ से ही टेलीकास्ट हो रहा है लैपटॉप के ज़रिए कैमरे के ज़रिए घर में हम बैठे दफ्तर में बैठ के हम देख सकते हैं कि उस बूथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही माइक्रो ऑब्जर्वर बिठा देते हैं बूथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है वो दिन भर वहां पे बैठा रहेगा जहाँ पे हमको शुभ है कि गड़बड़ हो सकती है मौसम के लिहाज से बात करें तो आपने उत्तराखंड में तीस जनवरी का दिन निर्धारित किया है वोटिंग के लिए लेकिन आपको लगता नहीं कि इस दौरान वहाँ पर ठंडक काफी रहती है और स्नोफॉल की भी खबरें आती हैं देखिए ये जो इलेक्शन है 12 फरवरी मार्च से पहले पहले कंप्लीट होने हैं अच्छा मार्च के महीने में हम इलेक्शन करते नहीं हैं क्योंकि उस जमाने में बच्चों के इम्तहान होते हैं एग्जामिनेशन की वजह से स्कूल हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि स्कूल में हमारे पोलिंग स्टेशन होते हैं तो इसके बाद हमें बचा क्या फरवरी तो इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं था तो अच्छा इनको क्या तीस जनवरी जो जो समझ लीजिए पहली फरवरी हो गया हमने जो रेनफॉल वगैरह उनका जी बारिश बहुत होती है हमने उसका डेटा देखा कि बारिश तो फरवरी में ज़्यादा होती है और देखा यह गया है कि फरवरी में और खासतौर से उसके सेकेंड हाफ में ज़्यादा बर्फबारी और बारिश होती है और 30 जनवरी और 15 फरवरी में कोई स्नोफॉल में कोई बड़ा फ़र्क है कौन प्रिडिक्ट कर सकता है बल्कि पिछली हिस्ट्री देखें तो जनवरी बेहतर है फरवरी से तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं और ये बा... मुश्किल तो हम ही को होगी हमारे लोगों ने तो जाके इंतज़ाम करना होगा जो जिन लोगों का, का वोट लेना है वो तो वहाँ मौजूद है वो तो रहते हुए हैं बाहर की पोलिंग पार्टी को असुविधा होती है लेकिन इसके अलावा तो कोई चार ही नहीं था दो हफ्ते बाद कोई गारंटी नहीं कि मौसम अच्छा होगा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 20 मई को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है जब तक आपने तारीखों का ऐलान नहीं किया था तब तक काफी चर्चाएं थी कि आयोग या तो फरवरी में तारीखों का ऐलान कर सकता है या फिर अप्रैल में आखिरकार आपने फरवरी में तारीखों का ऐलान किया इसके पीछे क्या वजह रही क्या सोच रही आयोग की देखिए मुझे ये बड़ी हैरानी है कि इसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन हुई जब चर्चा से तो हम जाते नहीं है कि हमने तो छह सात चीज़ें देखनी होती है मौसम देखना होता है बच्चों के इम्तिहान देखने हैं एग्रीकल्चर साइकिल देखनी है उस जमाने में किसान को आना मुश्किल होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी होती है मौसम देखना होता है ये सारी चीज उसके अलावा हम चर्चाएं भी देखने लगें कि क्या कह रहा है कोई मीडिया तो दैट्स लेकिन चर्चाएं बड़ी बेबुनियाद बिल्कुल बे, बेहुदा है वो इस तरह बेहुदा है कि वो साहब आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया ये इसलिए अगर आप सिंपल कॉमन सेंस की कैलकुलेशन करें जैसे मैंने आपको बताई कि जब पांच-छह स्टेट्स में पोल होते हैं तो उनको हम क्लब करते हैं हमेशा से बंच करते हैं और जब बंच करते हैं तो उनकी डेट अलग अलग होती है तो उसमें से जो सबसे पहली डेट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है रिक्वायरमेंट है कि उसके बियॉन्ड एक दिन भी हम नहीं जा सकते तो 12 मार्च तो हमारी डेडलाइन है इन पांचों स्टेट्स के लिए एक दिन आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि बंश किया हुआ है तो 12 मार्च से पहले पहले करना है मार्च में हम करते नहीं तो फरवरी इज ओनली डेट ये तो बहुत ही बुनियादी अगर किसी ने दिमाग लगाया होता तो एलिमेंट्री ये एक्सरसाइज है कॉमन सेंस से ये निकलती कुछ और इसके अलावा कोई चार ही नहीं बड़ी चर्चा होती है कि राजनीति में अपराधी बड़े पैमाने पर घुस जाते हैं आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है आप हरियाणा कैडर के, के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं आखिर हम ऐसा तंत्र क्यों नहीं विकसित कर पाते कि अपराधी किस्म के लोग चुनाव से बाहर रहें ये आपने तो हमारे दुखते रख पे हाथ रखा ये तो हम कह के थक गए सरकार से हम 20 15 20 साल से कह रहे हैं कि लोग दुखी हैं कि क्रिमिनल जो है अपराधी छवि के लोग या यूनियन खिलाफ केस है वो उनका तादाद विधानसभा और पार्लियामेंट में बढ़ती जा रही है घटने रही बढ़ रही है पहले ही होता था कि वो कैंडिडेट पैसे वाले को यूज़ करते थे तो उसने पैसे वाले ने सोचा कि मैं ही इलेक्शन लड़ू फिर वो जो बाहुबलियों को यूज़ करते थे तो बाहुबली ने सोचा कि अगर मेरे बलबूते पर ही इलेक्शन जीते हैं तो मैं ही क्यों ना लड़ू रेस्पेक्टेबल भी हो जाऊंगा पावर भी आ जाएगी इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई हमने डिमांड की है कि सरकार से कि आप एक, एक, एक ये एक्ट लाइए क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है लोग लो कभी कभी हमको दोष दे देते हैं कि हम क्रिमिनल को दूर नहीं रख पा रहे हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ये तो डिसकॉलीफाई करना ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से पार्लियामेंट का काम है हम चाहते हैं कि जो जिनके खिलाफ सीरियस अपराध हैं यानी रेप है डॉइटी मर्डर किडनेपिंग वगैरह कम से कम ऐसे लोग फिर ये उसका जवाब ये देते हैं कि साहब पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ झूठे केसेस भी हो जाते हैं तो बात ठीक है कि झूठे केस होने की के संभावना है लेकिन उसका भी हमने समाधान सजेस्ट किया हुआ कि ये केस कम से कम छह महीने पहले रजिस्टर हुआ और एक अदालत ने चार्जेस फ्रेम कर दियो अदालत तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अगर झूठा केस होगा तो अदालत चार्जेस फ्रेम न करते हुए उसी स्टेज पे केस को डिसमिस कर सकती है करना चाहे तो।, तो ये सेफ गार्ड अगर इसके के साथ ड्यूरिंग ट्रायल कन्विक्शन पे तो डिस्कालीफाई होता ही होता है

हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल नहीं है क्यों दो रीज़न से और ना डिज़ायरेबल है डिज़ायरेबल तो इसलिए नहीं कि देखिए एक स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है देश में अब आप किसी एमएलए को एमपी को चुनते हैं तो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो वो पाँच साल तक काम करे इन्हें वे राइट टू तो रिकॉल आपको अवेलेबल है कि अगर आपने उसने अच्छा काम नहीं किया पांच साल बाद आप उसको रिकॉल कर लेते हैं हरा देते हैं तो अच्छा इतना दिन का इंतजार आप ना करें सेकेंडली इसको प्रैक्टिकली असंभव है प्रैक्टिकली इसलिए असंभव है सपोज एक मिसाल जो मैं देता हूं कि अगर आप एक कैंडिडेट थे और चार लाख लोगों ने आपको वोट दिया और जीत क्या है आप चार लाख लोगों के वोट लेने वाले को कितने वोट हैं कितने लोग हैं है, कि दस्तखतों से उसको निकाल सकते पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार के जी दस हजार लोगों ने कह दिया कि इनको निकाल दो हालांकि आप चार लाख लोगों ने आपको वोट दिया तो आप ही का अधिकार नहीं कि पांच साल तक आप उसमें रहें आपके वोटर का भी है अधिकार है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पास चल रहे है। फिर दस बीस पचास हज़ार दस्तखतों को वेरीफाई करना ये इतना मुश्किल या क्या इम्पॉसिबल काम है क्योंकि हम देखते हैं कि जब कई बार पार्टी में स्प्लिट हो जाती है तो हमको दोनों पार्टी लिखती हैं कि मेरे साथ ज्यादा लोग हैं 200 मेरे साथ हैं वो कहते हैं ढाई दूसरे के दस्खत बोगस हैं वो कहते है नहीं इसके दस्खत बोगस हैं 200 300 तीन सो दस्खतों को वेरीफाई करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है दस दस पचास बीस पचा, बीस पचास पचास हज़ार वोट दस्खतों को कौन वेरीफाई करेगा तीसरे जो आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है मुखालिफ है वो पहले दिन से आपको डिजिटिबलाइज करेगा कि इलेक्शन में तो आपको हरा नहीं पाया चलो मैं रिकॉल का मूवमेंट चला दूँ उसके लिए दस बीस हज़ार पचास हज़ार दस्खत लेना क्या मुश्किल काम है तो ये इजलिया रिकॉल तो असंभव और इम्प्रैक्टिकल है राइट टू रिजेक्ट दूसरी चीज़ है वो एक वो एक काबिल गौर चीज़ है उस पर गौर करना चाहिए उसमें कहना यह है कि जिस सरकार तो डिस्कालीफाई कर नहीं रही क्रिमिनल कैंडिडेट को लेकिन अगर जनता ही रिजेक्ट कर दे तो फिर उसको एक डिटरेंस महसूस होगी कि वो डरेगा इसी तरह सीलिंग तो है 16 लाख रुपए की और लोकसभा पे 40 लाख पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह करोड़ खर्च करते हैं जनता ने अगर राइट टू तो रिजेक्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो डरेगा कि मेरे तो 10-20 करोड़ बेकार हो गए क्योंकि मैं रिजेक्ट भी हो गया और आगे के लिए डिस्कवालीफाई भी हो गया तो इससे डिस्टर होती है उस लिहाज से यह प्रपोजल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पर जरूर गौर किया जा सकता है एक महत्वपूर्ण बात जब बतौर संवाददाता हम गाँव में जाते हैं वोटिंग के दौरान तो देखते हैं कि आयोग की लाख कवायद के बावजूद भी मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां होती हैं वो बनी रहती हैं वोटर्स की बड़े पैमाने पर शिकायत करते हैं यह समस्या क्यों नहीं दूर हो पाती नहीं यह समस्या काफी हद तक अब दूर हो गई है Uh, एक तो इसलिए नहीं होती कि एक तो बाइल हमारे एक तो होते हैं जो हमारे करने वाले स्टाफ हैं वो उन्होंने हिंदी में लिखा और रोल अंग्रेजी में बना या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ कुछ तो इसलिए होती है कुछ कंप्यूटर की गलती होती है कुछ लापरवाही भी हो सकती है केयरलेसनेस हो सकती है लेकिन जब से हमने पिछले तीन चार साल में बूथ लेवल अफसर लगा दिया है बूथ लेवल अफसर क्या है कि आप ही के गांव में आप ही के मोहल्ले में एक टीचर है या जो भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको हमने बूथ लेवल अफसर कर दिया आप जाइए और टाइमली देखिए होता क्या है कि आप भी अपने टाइम लेते हो देखते नहीं वोटर का भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई मेरा नाम ठीक तरह ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ या है भी कि नहीं जाके तो देखे लोकपाल को चुनाव आयोग जैसा संवैधानिक दर्जा दिया जाए लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई इसे किस तरह आप देखते हैं देखिए संसद में क्या हुआ, हुआ लोकपाल पे तो मैं उस लिहाज से कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि क्या हुआ लेकिन हर शख्स ये कहता है कि अगर मजबूत बनाना है तो इलेक्शन कमीशन जैसा बनाओ इंडिपेंडेंट बनाना है तो इलेक्शन कमीशन जैसा बनाओ तो ये एक मुद्दा हमारे लिए रेलिवेंट है और ये सही बात है कि चूँकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और हमारे पास कानूनी बहुत सारी पावर है इंडिपेंडेंस है बिल्कुल टोटली फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल तो को हमको कोई कंट्रोल नहीं करता जो चेकस एंड बैलेंस है कि वो हमारे केसेस जो हैं हमारे जजमेंट जुडिशरी में तो रेगुलरली जाते रहते हैं तो उसके अलावा किसी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किसी प्रकार का है नहीं तो ऐसा अगर ये मॉडल इंस्टीट्यूशन इसको माना जाता है तो ये बड़ी गौरव की बात है अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ के मतदाताओं को आपका संदेश क्या है एक तो वोट की जो पावर है उसको इस्तेमाल करें वोट देने आए कई जगह देखा गया है कि वो तीस प्रतिशत या चालीस प्रतिशत ही वोट मतदान होता है अब तीस प्रतिशत मतदान के, के बाद हम शिकायत करें कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ठीक काम नहीं करा हमने तो उसको वोट भी नहीं दिया हम तो इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया तो वोट जरूर दें जरूर दें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर एक को जाके वोट देना चाहिए और बगैर किसी लालच के वोट दें कोई उनको पैसा ऑफर कर रहा है साड़ी धोती ऑफर कर रहा है बिल्कुल उसको रिजेक्ट करें बल्कि कमीशन के नोटिस में लाए ताकि हम उनको पकड़ें ईमानदारी से वोट करें और अच्छे कैंडिडेट चुनें ताकि अच्छी सरकार आ, आ, उनको हाथ उनको मिले बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुरैशी दूरदर्शन से बातचीत के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए तो ये थे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी जी जिन्होंने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की अपनी व्यापक तैयारियों के बारे में विस्तार से बात की अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार